अब मैं रंजिश भुलवा के देखल जाई, दूर हो गई बा जे ओकरा के बुला के देखल जाई। सियासत भा जिंदगी के यहाँ कोनो भरोसा नहीं खे, कुर्सी मिले तो दुश्मन के भी घरे खा के देखल जाई। गौर लगता नहीं, स्वागत बरुवालों के न्यूज़ बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। लगातार हमनी के ये पूरा 17वीं लोकसभा चुनाव के हर लोकसभा क्षेत्र से बिहार के रुवालों के जौन स्थिति बा प्रत्याशी के, और साथ साथ जनता के जौन मन मिजाज बा, परिसीमन का बढ़ुए, ओजा का आंकड़ा बैठा था, जीत हार के का असर हुई, ये सब बात के लेकर के हमनी के रुवालों के सामने पूरा खाका और डाटा रखत अनिजा। एक बाद अब स्थिति ये हो गई बा कि पूरा के पूरा 6 चरण के चुनाव हो गई बा। ये पूरा चुनाव 7 चरण में होके वाला बा। अंतिम चरण में बिहार के 8 गो सीट बाचल बुड़ गए। ये सीट में कुछ ऐसा सीट बा जौना पर पूरा देश और दुनिया के, बिहार के ही ना, दुनिया भर के नज़र टिकल बुड़ गए। एगो सीट बुड़ गए जौना में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा पिछला 2 हाली से चुनाव लड़ता रहे, अब केवल 3रा हाली वो हैट्रिक के फेराम बाड़े। लेकिन हैट्रिक उनकर जौना टीम में रहे हैं वो टीम खातिर नहीं खे, वो पाला बदल चुकल बड़े। स्थिति परिस्थिति का बढ़ तो बाद में चर्चा कर लीजिए कि काहे उनका पाला बदले के पड़ल। लेकिन अब वो जौना पार्टी में रहन ओकरा विरोध में चुनाव लड़ रहा बड़ा। 2 हाली ये सीट भारतीय जनता पार्टी NDA के खाता में दिले, कई हाली वो भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी रहा बड़ा, राज्यसभा भी गई बड़ा। लेकिन अब के लिए जौन स्थिति बा वो कुछ अलग स्थिति बा। अब के लिए उनका विरोध में उनकर साथी पुरान रविशंकर प्रसाद बड़ा, जौन भारतीय जनता पार्टी से बड़ा। राह आसान दोनों में से केहू के नज़र नहीं खियावत, ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ कैडर वोटिंग के बात करेला, इशारा करेला, जौना के रथ पर सवार होकर के 2 हाली लोकसभा के चुनाव पटना साहिब से जीत के शत्रुघ्न सिन्हा सदन गई बड़न, उनकर स्थिति आज का बा एक पूरा विवरण रुआ के दे। लेकिन एक पहले बताया था नहीं कि कैडर वोटिंग में कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद पूरी तरह से पार्टी और NDA के सपोर्ट में बड़न। हालांकि महागठबंधन जहां कांग्रेस बा ओजा भी स्थिति कमजोर नहीं खे, ओजा के स्थिति भी मजबूत बा। जातीय समीकरण देख ली या फिर और भी समीकरण देख ली, एक पटना साहिब के सीट पर लाला जी और ग्वाला जी, ये 2 गो जी के जहां जोड़ होला ओजा जीत हार के आंकड़ा होला। शत्रुघ्न सिन्हा यही रथ पर सवार होकर के अक्सर जीत के आंकड़ा के लिए बढ़ल, एकर साथ साथ उनका BJP के कैडर वोटिंग के भी बहुत बड़ा असर मिलत रहा, फायदा मिलत रहा, सवर्ण वोट भी ओटिया लेते रहन। अब के हली जौना जाति से उबाड़न वही जाति के कैंडिडेट उनका संगे विरोध में खड़ा बढ़न। और भी कई लोग चुनाव लड़ता, एक कोण में कई जगह अलग अलग खाना बढ़ुए, जौना खाना में कुछ कुछ वोट बट के जा रहा बा। अशोक कुमार गुप्ता के बात कर ली, जौन IPS बाड़न, उनकर पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत बड़ा बा, और पटना सिटी जहाँ के मूल निवासी हन ओजा से बहुत बड़ा असर पैदा कर सकेले, वो भी लगातार ताल ठोक तारण। जीत हार के आंकड़ा में उनकर भी एगो फैक्टर बहुत बड़ा बढ़ुए। एकरा अलावा भी बहुत सारा लोग बढ़ुए, बहुत सारा कैंडिडेट बाड़न जौन इस लड़ाई के और दिलचस्प बनावत रहन। लेकिन बात करते हैं जहाँ के 2 गो गठबंधन के, NDA और महागठबंधन, मेन लड़ाई जोन बा उन यही दोनों में बा। शत्रुघ्न सिन्हा के रुआ याद हुई कि शत्रुघ्न सिन्हा के अबकी के जोन 2014 के चुनाव में जीत के गई बड़े, तौना घड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एकाध महीना तक बड़ा बढ़िया संबंध, 2-4 महीना तक बहुत बढ़िया संबंध नजर आए। लेकिन यह पूरे प्रकरण में, यह पूरे 5 साल में लगातार शत्रुघ्न सिन्हा अधिकतर अपने सरकार, अपना पार्टी के विरोध में खड़ा रहन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति नियत और नियम पर संदेह खड़ा करते रहें, चाहे उनकर जो भी योजना हो के उस सारा योजना के धरासाई कैले और विरोधी खेमा के नेतृत्व में उस शामिल रहन। यशवंत सिन्हा के बात कर ली, यशवंत सिन्हा के साथे उ रहन, एकरा साथ साथ अधिकतर वो विपक्ष में ही नजर अले।
एकरा साथ साथ याद होई भारत लाइव पर ही एकमात्र देखावल गई रहे खबर, ओकरा बाद पूरा दुनिया जानलस कि शत्रुघ्न सिन्हा के लापता होके खातिर सनहा भी दर्ज करावल गई रहे, एक याचिका दाखिल कैल गई रहे, एकरा साथ साथ एगो बैठक करके और सांसद लापता बाड़े एकरा खातिर मीटिंग कैल गई रहे और मीटिंग भई रहे उनके संसदीय क्षेत्र उत्तरी मंदिरी में। यह मंदिरी और लोदीपुर सहित कई मोहल्ला के लोग जुट करके और शत्रुघ्न सिन्हा लापता बाड़े एकर पूरा पूरा प्लानिंग कैल गए रहे कि उनका के कैसे खोज के ले आवल जाओ। एकरा पीछे जनता के आक्रोश रहे कि उन नज़र नहीं खनावत। हालांकि ये सब बात के लेकर के शत्रुघ्न सिन्हा अपना तरफ से लिप पोत जरूर करेले। शत्रुघ्न सिन्हा के कहना बड़ुए कि पटना में जौन पिछला 10 साल में नज़र आ रहा बा, चाहे एम्स के बात कर ली या फिर गंगा के किनारे जहाज के बात कर ली, गंगा किनारे जौन सीढ़ी बनल बा ओकरा बाद और भी जौन साज सज्जा भइल बा, उ सब उनकर देन है। वो कहता रहे कि हम कहीं नहीं गए, हम एजे बानी, लेकिन जौना वादा के साथ मोदी जी सरकार में स्थापित बनी जौना वादा के साथ जनता उनका के बोलौले रहे, वो ज़्यादा जौन बढ़ुए पूरा ना कैले वादा के। यह वादा के पूरा ना करे के पीछे उनकर का कारण बढ़ुए इत सारा दुनिया देख लेलस, लेकिन जौन स्थिति बा वो स्थिति कुछ अलग बा। जौना वादा के साथ वही रहन, हम जौना वादा के साथ पटना साहिब के जनता से वोट मांगले रहीं, वोट हमरा नरेंद्र मोदी के चेहरा पर ना मिल रहे, चूँकि एकरा पहले भी हम जीत के आए रहें तो नरेंद्र मोदी के चेहरा ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के हम कैडर रही हैं, पूरा जीवन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ बितौनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमरा के नज़रअंदाज और दरकिनार कैलस। एकरा बाद रोज बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अपना स्तर से अपन जौन आरोप बढ़ुए आरोप के पाटतर, वो जो रविशंकर प्रसाद के बात करें तो रविशंकर प्रसाद भी एक कदावर नेता, उनकर छोट मोट कोनो औरा नहीं है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहल बाड़न और राज्यसभा से चुन के जालन। अभी भी उनका लगे 4.5 साल के वक्त लगभग बाटे। अब एकरा बाद रुआ से बता दें कि रविशंकर प्रसाद के लेकर के उनका राह जौन बढ़ुए वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं होके जात। रविशंकर प्रसाद भले भारतीय जनता पार्टी के कैडर बनल, उनकर कैंडिडेट बनावल गए बनल केंद्रीय नेतृत्व के फैसला बा, लेकिन रविशंकर प्रसाद के विरोध में उनका पार्टी के लोग ही बा। ये भीतर खाना के रुआ खबर बताओ तनी, और कुछ खबर तो रुआ लोग के स्पष्ट रूप से भी नज़र आई हुई कि सबसे पहले जब रविशंकर प्रसाद उम्मीदवार के रूप में पटना के धरती पर अले तौना घड़ी रुआ नज़र आई हुई उनका विरोध में एयरपोर्ट पर जम करके दुतरफी हंगामा भइल। जहाँ एक तरफ रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद के नारा लागत रहे, वो जे रविशंकर प्रसाद मुर्दाबाद के भी नारा लागत रहे। इहो वो लोग देख ले हो कब भारत लाइव के चैनल पे। एकरा पीछे कहल गई कि आर के सिन्हा के हाथ बढ़ुए, आर के सिन्हा चाहत रहन कि ये सीट उनका मिल जाए या उनका पुत्र ऋतुराज के मिल जाए, लेकिन ऐसा हो ना सकल। बहुत पुराना कैडर बढ़न आर के सिन्हा भी जौन विरोध में खड़ा बढ़न। आर के सिन्हा के कहना रहे कि 4.5 साल उनका लगे समय बढ़ू, या आर के सिन्हा और भी बात करता। अब ये सब बात के लेकर के काय समाज जौन एक तरफा वोटिंग करेला, काय समाज सवर्ण समाज के एक अंग बढ़ू है, और सवर्ण समाज में बहुत सारा समाज जौन नाराज चलता महागठबंधन से भी एनडीए से भी ओकरा में एगो अहम भूमिका निभा रहा बा कायस्थ समाज। कायस्थ समाज के संगठन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ पूरी तरह से बा, ए बात से इनकार ना कर सकीले, कारण कि कायस्थ समाज के जौन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत बा वो यह कहना बढ़ुए कि रविशंकर प्रसाद के जितौला के बाद कहीं ना कहीं एगो सीट के घाटा हो जाई। इरुआ के पूरा फॉर्मूला हम समझावता नहीं, एकरा पहले रविशंकर प्रसाद के हम बता दें कि रविशंकर प्रसाद के पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के साथ साथ आरएसएस के बहुत बड़ा संस्थापक सदस्य में शामिल रहीं, और सामाजिक जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन भी वहाँ के बहुत बड़ा रहे, सम्मानित वहाँ के समाज सेवा के काम में सम्मानित नाम बोलूँ बहुत सम्मानित नाम बा ठाकुर प्रसाद जी के। एकरा साथ साथ रविशंकर प्रसाद भी छात्र जीवन से ही राजनीति में अपन एक अलग पहचान बनौले बाड़े,
देश के कानून मंत्री के रूप में कहीं, या और भी आईटी मंत्री के रूप में, या और जितना भी विभाग उनका मिल रहा हो सब विभाग में बेहतर काम के लिए बढ़े। लालू प्रसाद के केस जो चारा घोटाला में बा, ओकरा में भी रविशंकर प्रसाद के नाम एगो बहुत बड़ा बा। एक साथ साथ रविशंकर प्रसाद के और खासियत बढ़ू है कि केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी और बिहार के मोदी जी दोनों मोदी जी के बहुत प्रिय पात्र में से बानी, विश्वास पात्र में से बानी, यही चलते जैसे उम्मीदवारी मिलल गुरु है। अब रुआ से बता दी कि रविशंकर प्रसाद के राह कैसे मुश्किल होता। रविशंकर प्रसाद के जहाँ जहाँ सभा हो रहा गुरु है, जहाँ जहाँ वो रोड शो कर रहा बड़ा, रुआ भीड़ भाड़ तो नजर आती, लेकिन भीड़ के जो दायरा बढ़ू है, जो रेशियो बा, रुआ वो हिसाब से ना मिलत हुई। काल हमनियों के मोहल्ला से वहाँ के गुजरनी, लेकिन जौन चाही जितना समर्थन, जितना लोग साथ में चाही, वो तरीका में कुछ कमी नजर आई। जौन स्पष्ट बात तस्वीर बहुत कुछ कह देवला, वीडियो रुआ सामने कई हाली हमने के देखो नहीं जा, और एक वीडियो और बढ़ू है, वह वीडियो रुआ देख सकी ले। अब स्थिति बा कि स्टारडम के लेकर के कहीं ना कहीं बिहारी बाबू थोड़ा सा 20 में चल रहा बना। एक साथ साथ जौन आभा काम इस संगठन हुए कायस्थ समाज के, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, अब एकरा के जौन एकर निर्णय होला ओकरा संगे कायस्थ समाज चले ले। एगो बहुत रुवास बात बताओ तनी, एक एपिसोड के हम दूसरा खंड में लगा सामने लेकर के आई, जौन कुछ लोग बढ़ुए वो का कहता और काहे वो रातों रात रविशंकर प्रसाद से शिफ्ट होकर के शत्रुघ्न सिन्हा के तरफ चल गई, एकरा विषय में भी रुआ लोग के हम खुलासा जरूर करब। एकरा पीछे हम शोध में लागल बनी और लोग से बातचीत करे के भी लागल बनी, एक मीटिंग अगर बहुत जल्दी तय हो जाता तो हम रुआ के पूरा वो एपिसोड ले आकर रुआ के सामने रखब। बहुत जल्दी रुआ लोग के सामने कुछ लोग जौन लगातार संपर्क करता और बात पटना साहिब के सीट के लेकर करते हुए दोनों पक्ष से हम रुआ के बात करवाई। एक पक्ष जो रविशंकर प्रसाद के खुल के समर्थन करता, दूसरा पक्ष जो रविशंकर प्रसाद के लेकर के का कह रहा बड़ू है। एक पक्ष के कहना बड़ू है, कायस्थ समाज के कुछ लोग के कहना बड़ू है कि अगर रविशंकर प्रसाद के पास 4.5 साल के वक्त व राज्यसभा में तो एक सीट कायस्थ समाज के बरकरार बा, लेकिन अगर रविशंकर प्रसाद जीत जाता रहे चुनाव लोकसभा के तो वैसा स्थिति में एगो सीट घट जाएगी। एकरा से बेहतर बा कि लोकसभा में भी कायस्थ समाज के एगो प्रतिनिधि बिहार से भेजल जाओ और वो शत्रुघ्न सिन्हा हो सके। ये बहुत बड़ा बात बढ़ू है। रातों रात से बताया था नहीं कि कई जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहा है ओजा से झंडा उतर करके कांग्रेस के झंडा शत्रुघ्न सिन्हा के जय जयकारा के नारा बैनर पोस्टर लाग गई बा। अभी असर कितना करी, एकर काम मैसेज जा रहा बा, दिगर बात बा, लेकिन कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद के ई बात माइनस में लेके जाता जौन उनका राज्यसभा के 4.5 साल के सदस्यता बा। देखे वाला बात हुई कि अब ये पूरा आंकड़ा 30 लाख जौन वोटर बढ़ान वो का सोचता रहे। परिसीमन के बाद जब पटना दो खंड में बटल, पाटलिपुत्रा और पटना साहिब, उसमें पटना साहिब सबसे ज़्यादा हॉट सीट रहल बुड़ुए और हॉट सीट बनाने में शत्रुघ्न सिन्हा के भी बहुत बड़ा योगदान बुड़ुए, चूँकि वो बिहार से जाकर के मुंबई में अपन सिक्का जमोले, एक नाम पैदा करे बड़े और बिहार के ओजा स्थापित के लिए बड़े। एक साथ साथ राजनीति में भी एक बड़ा नाम कहल जाले, स्टार प्रचारक रहल बड़े कई वर्ष तक लगातार, अटल जी के साथ साथ से लेकर के मोदी जी के सरकार तक वो स्टार प्रचारक रहल बड़े, मोदी जी के कैंपेन में भी शामिल भइल बड़े, लेकिन कई ऐसा अवसर आई कि मोदी सरकार में बनला के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के हाशिए पर रखल गई। हो सकेला कि इनकर विरोध होके, या फिर ये भी हो सकेला कि जौन मोदी के खिलाफ उनका योजना नीति नियत के खिलाफ लगातार रहले ओकर असर होके। अब स्थिति ये बा कि ये चुनाव जौन 17वीं लोकसभा के गठन खातिर हो रहा बा, कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा के एक बात तो जरूर स्पष्ट करता, वो बात बा कि चुनाव और ये देश मुद्दा विहीन हो गई बा। शत्रुघ्न सिन्हा बार बार कहले कि जौन जन मुद्दा बा, जन समस्या बा, ओकरा से दिगर बात हो रहा बा, सिर्फ
मोदी के बात हो रहा बा, मुद्दा के बात नहीं खे होत। और जे मुद्दा के बात करी वो भाजपा के अलग कर जाई, भाजपा से दरकिनार करे के हुई। अगर भाजपा में रहे के बा तो मोदी मोदी गावे के पड़ी। कितना उनका बात में सच्चाई बा, ये चुनाव परिणाम 23 मई के जौन आई ओकरा में साफ हुई। लेकिन कड़ा टक्कर पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच बढ़ुए। वर्तमान सांसद के झोली खाली रही, या फिर मोदी जी के झोली में एगो सीट रविशंकर प्रसाद ले जाके दी है, ये 23 तारीख का पता चली। रुआ वोटर बनी, रुआ लोग सोच समझ के, जे रुआ बेहतर बुझाता बुझाता कि समाज के, देश के और इस संविधान के बेहतर ढंग से चला सकेला, इस देश के विकास कर सकेला, इस देश के रक्षा सुरक्षा कमाई दवाई पढ़ाई ये सब पर ध्यान दे सकेला, ओकरा के वोट करी सब है। लेकिन वोट जरूर करब सब है, ऐसे कि लोकतंत्र तबे मजबूत हुई जब रुआ वोट करब। थोड़े देर के बाद लेके आ रहल बनी, जैसे ही बात हो जाते रुए वो पूरे कुनवा से हम एपिसोड लेके आए रुआ सामने और बताइए कि का कारण बढ़ुए रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में कहाँ गैप हो रहा बढ़ुए और के आगे और के पीछे बा। फिर मिलता नहीं, गोड़ लगाता नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।